ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं, उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं, और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य के हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, अब तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आज काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हैं अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चौहान विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महाराज। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1678 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत वर्ष में दी गई है? नहीं। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली बार आज की सभा को उद्देश्य उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारत वर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। एक सही जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता क्या देश सही पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज के जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राज्य के लिए, देश के लिए बलिदान दिया। दूसरा विषय है पहचान। इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोलहान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया। इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ हमने देश को दिया। रघुनाथ
लोग जमा हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमें अपनी पहचान की लड़ाई किस प्रकार लड़नी है, इस लड़ाई को किस प्रकार हासिल करनी है, और ये लड़ाई इसलिए लड़नी है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित और संरक्षित हो सके। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, भली भांति आने वाले वर्षों में हमारे साथ क्या घटित होगा, आज इतनी हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी पहचान को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, जो पहचान हमारे 1950 में छीनी गई उस पहचान को लेकर अगर आज जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में अगर कोई शरणार्थी बनेगा तो याद रखेगा सबसे पहले तो हमारी को। जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठान की स्थापना की थी, जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठान में धान के सृजन में योगदान दिया था, आज वे लोग अपने अस्तित्व को बचा के रख पाते हैं, अपने अस्तित्व को संभाल के रख पाते हैं, या फिर वे लोग शरणार्थी कहलाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला हमको हिंदी के बात करना पड़ रहा है कि मतलब यदि हमको लग रहा है कि नए बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग फ्यूली बन जाएंगे, ये गांव हमारा पूरा टाटा जमशेदपुर में ज्यादा गांव हमारे धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में, तो सबसे पहला उदाहरण एक खुड़की को बेटा को गुड़वाली के रहे हिंदी में बात रखना पड़ रहा है आपको समझा नहीं है। कहां है आपकी मातृभाषा, कहां है आपकी मातृभाषा, इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छीनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को हम कैसे पा सकते हैं। हमारी बात तो पूरा पूरी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग राही बोलते हैं, हम लोग गुणवाली बोलते हैं, लेकिन